No woman, no cry. No woman, no cry. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की सी वीडियो होने वाली है वकांडा फॉरएवर से। पहले आपको कौन कौन सी मूवीज चेकआउट करनी पड़ेंगी। अब देखो, जिन लोगों को वकांडा फॉरएवर के बारे में नहीं पता है, जो वकांडा फॉरएवर पहली बार देखने जा रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको जो है कुछ मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब जो भी मूवी होगी या वेब सीरीज होगी, सारी बात इसमें बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी मूवी किस लिए देखनी पड़ेगी, ताकि आपको वकांडा फॉरएवर की कहानी जो है आसानी से समझ में आ जाए, उसकी जो डेप्थ होगी वो आपको प्यार से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कौन कौन सी हूँ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लें। अब देखो, वकांडा फॉरएवर देखने के लिए सबसे पहले आपको जो है ब्लैक पैंथर देखनी पड़ेगी। लेकिन ब्लैक पैंथर तो देखो सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट पार्ट है, लेकिन ब्लैक पैंथर से पहले भी आपको कुछ मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि आपको उससे पहले आपको सिविल वार देखनी पड़ेगी। अब सिविल वार में जो है फर्स्ट टाइम ब्लैक पैंथर को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब यहां पे एक सवाल निकल कर आता है कि अगर आप सिविल वार देखो, सिविल वार से पहले आपको जो है एज ऑफ अल्ट्रॉन देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एज ऑफ अल्ट्रॉन की ही कहानी आपको सिविल वार में फोकस में लाई जाती है, जिस वजह से आपको जो है सिविल वार की कहानी समझ में आ जाएगी। अब यहां पे बात करें अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन की, तो आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन जानने के लिए सबसे पहले आपको विंटर सोल्जर भी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके सामने जो है तीन मूवी निकल कर आ जाती है। सबसे पहले आपको जो है विंटर सोल्जर देखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको देखनी पड़ेगी एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके बाद देखनी पड़ेगी आपको सिविल वार। जब आपको ये तीनों कहानी समझ में आ जाएंगी, तैन आपको जो है ब्लैक पैंथर की कहानी समझ में आ जाएगी। इसके अंदर इंट्रोड्यूस जब होगा ब्लैक पैंथर सिविल वार के अंदर, सिविल वार के बाद में आप सीधा जो है ब्लैक पैंथर देख सकते हो, और ब्लैक पैंथर के बाद में आप जो है आके बाद में जो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देख सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर आपने सिविल वार देख ली तो उसके बाद में आपको इन्फिनिटी वार जो है देखनी पड़ेगी, फिर आपको एंड गेम देखनी पड़ेगी, तो मैं आपको जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो उनका जो है लिंक जो है आपको ब्लैक पैंथर से इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की कहानी को जानना चाहते हो, तो आपको सिर्फ जो है ब्लैक पैंथर सिविल वार देखनी पड़ेगी। लेकिन सिविल वार की जब आप कहानी देखोगे, तो आपको थोड़ी एक तरह से जो है खाली खाली फील होगी, जिस वजह से आपको जो है विंटर सोल्जर और एज ऑफ अल्ट्रॉन चेकआउट करनी पड़ेगी, ताकि आपको सिविल वार समझ में आ जाए। और सिविल वार में जब फर्स्ट टाइम जो है आपको ब्लैक पैंथर का अपीयरेंस देखने के लिए मिलने वाला है, वहां से आपको जो है ब्लैक पैंथर समझ में आ जाएगी, और देन ब्लैक पैंथर जब समझ में आ जाएगी, तो आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर समझ में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको जो है गिनती की आपको ये चार मूवी चेकआउट करनी पड़ेंगी। और उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सुना ज्यादा रोना के मैसेज करता हूँ भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आए। बाय करते हैं वीडियो को एंड, आप रखना यार, बाय बाय, टेक केयर।